हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है घंटा घर का भूत। मुंबई के अंधेरी में लगभग 100 साल पुराना घंटा घर था। उस घंटा घर में एक नत्थू नाम का भूत रहता था। पूरा शहर दहशत में था। शहर के लोग उस घंटा घर के पास जाने से बहुत डरते थे। शहर में नत्थू का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि उस घंटाघर की रखवाली के लिए भी कोई राजी नहीं होता था। पूरे शहर में उसे भूतिया घंटाघर के नाम से जाना जाता था। एक रात दूसरे शहर से आए अमर, तुषार और साहिल उस भूतिया घंटाघर के पास से गुजर रहे थे। अरे देखो, कितना बड़ा घंटाघर है। हाँ, बड़ा तो है पर डरावना भी बहुत लगता है। क्या यार अमर, तुम इतना क्यों डरते हो? मैं बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि मैं तो इस घंटा घर के अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना अंदर जाया जाए, थोड़ा आराम भी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। वे तीनों भूतिया घंटा घर के अंदर जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ पत्ते पड़े हुए हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वे तीनों घबरा जाते हैं। अरे यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, शायद हो सकता है कि वह दरवाजा ऑटोमेटिक हो। अच्छा, ये बात है। मुझे तो लगा जैसे किसी भूत ने इसे बंद कर दिया हो। अमर तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, अगर तुमने एक बार और भूत का नाम लिया तो हम तुम्हें यही बंद करके चले जाएंगे। हाँ अमर, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा किसने कहा? यह आवाज कैसी थी? तुषार, कहीं तुम मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, यह आवाज मेरी नहीं थी। इसका मतलब यह हमारे अलावा कोई और भी है। तभी नत्थू भूत उन तीनों के सामने आता है। उसके बड़े बड़े दांत और खूंखार आंखें देखकर तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तुम कौन हो? कहीं दरवाजा तुमने तो बंद नहीं किया? मैं हूँ नत्थू, नत्थू भूत, जो पिछले 50 साल से इस घंटा घर में कैद है। ये दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ, ये तो मेरी जादुई शक्ति से बंद हुआ है। देखना चाहोगे मेरी जादुई शक्तियाँ? नत्थू उन तीनों को डराने के लिए कभी अपने हाथ लंबे करने लगता है तो कभी उन्हें अपने बड़े बड़े नाखूनों से डराने लगता है। ये सब देखकर साहिल और अमर बेहोश हो जाते हैं। नत्थू जोर जोर से हंसने लगता है। तुमने यह ठीक नहीं किया, जल्दी से मेरे दोस्तों को ठीक कर दो, हमें घर भी जाना है, हम बहुत दूर से आए हैं। अगर तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक नक्शे के टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ना होगा। अगर तुम यह काम कर लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। मैं नक्शे को जोड़ने वाले की एक इच्छा पूरी करूंगा और नक्शे के पीछे छुपा रहस्य भी बताऊंगा। पर इतने बड़े घंटा घर में मैं उस नक्शे के टुकड़ों को ढूंढूंगा कैसे? मैं उस नक्शे के टुकड़ों को ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ हिंट दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं उन टुकड़ों को ढूंढकर नक्शे को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले दो टुकड़े मिलेंगे वहाँ, खत्म होता है रास्ता जहाँ। जहाँ रास्ता खत्म होता है, इसका मतलब पहले दो टुकड़े सबसे ऊपर मिलेंगे, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो बंद है। तुषार सीढ़ियों से जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगता है। जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुंचता है, उसे नक्शे के पहले दो टुकड़े मिल जाते हैं। वो उन्हें लेकर वापस नीचे आता है। बहुत अच्छे, अब जरा ध्यान से सुनो। ऊपर आसमान, नीचे जमीन, आखिरी दो टुकड़े मिलेंगे वहाँ जहाँ खिड़कियाँ होंगी। तीन तीन खिड़कियाँ? पर यहाँ तो कहीं भी तीन खिड़कियाँ नहीं है, चारों तरफ एक एक ही खिड़की है। जरा ध्यान से देखो,
यह इतना आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुषार एक बार फिर चारों तरफ नजर घुमाता है, तभी उसे एक खिड़की नजर आती है जो तीन भागों में विभाजित होती है। तुषार जल्दी से खिड़की के पास जाता है और आखिरी दोनों टुकड़ों को ले आता है। वह उन दोनों टुकड़ों को जोड़कर नक्शा तैयार कर देता है। ये लो, नक्शा तैयार हो गया। मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए काम में सफल हो गया। बहुत अच्छे, चलो तुम जल्दी से इच्छा मांग लो। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी उसे मैं जरूर पूरी करूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे दोनों दोस्तों को ठीक कर दो और हमें यहाँ से जाने दो, यही मेरी इच्छा है। इतनी जल्दी क्या है, पहले अपना इनाम तो ले लो। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो, मैं इसका क्या करूँगा? ये एक खजाने का नक्शा है। बहुत समय पहले जब मैं इस खजाने की चोरी करने जा रहा था, तब एक संत ने इस नक्शे को फाड़ कर मुझे श्राप दिया था कि जब तक कोई नेक दिल इंसान इस नक्शे को नहीं जोड़ेगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मरने के बाद भी मैं आज तक इस घंटाघर में भटक रहा हूँ। तुम खजाने के असली हकदार हो, इसलिए इसे तुम रख लो। इसका मतलब अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और पहले की तरह लोग इस घंटाघर को देखने आ सकेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। चलो इससे पहले कि मेरा जाने का समय आए, मैं तुम्हारे दोस्तों को पहले जैसा कर देता हूँ। नथु तुषार के दोनों दोस्तों को ठीक कर देता है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ एक रोशनी आती है और नथु उस रोशनी के साथ गायब हो जाता है। जैसे ही नथु गायब होता है वैसे ही घंटा घर का दरवाजा खुल जाता है। वे तीनों वापस बाहर निकलकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और लोग एक बार फिर उस घंटा घर को देखने आने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत का हल होशियारी से निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।